बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बुध है, जमादिल अव्वल दी 3, मगर दी 5 ते दिसंबर दी 8 तारीख। ए रेडियो पाकिस्तान है। फरहमत तू खबरां सुनो। पहला खास खास खबरां दा खुलासा। वफाकी कबीना ने पंजाब दी हकूमत नूं सियालकोट वाके च मुलविस मुलजमां दे खिलाफ छेती कानूनी कार्रवाई शुरू करन दी हिदायत कीती है। खारजा मामलों के वजीर ने अफगानिस्तान के पनाह गुजीना के मसले नाल निबड़न ते इनू दोबारा दहशतगर्दी का आलमी ठिकाणा बनन तो रोकण लई नवी हकूमत नाल आलमी तावन उते जोर दिता है। खजाने के मुशीर ने यकीन दवाया है कि हकूमत सरमायाकारी ते बरामदात की शराय नमू नूं वधाण लई सरमायाकारां नूं साजगार माहौल देगी। पंजाब के खजाने के वजीर ने कहा है कि सूबाई हकूमत ने पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट एक्ट मुतारिफ कराया है, जिद दे नाल माशी मनसूबाबंदी नूं यकीनी बनाने च मदद मिलेगी। हुण तुसीं पूरियां खबरां सुनो। वफाकी कबीना ने पंजाब दी हकूमत नूं सियालकोट वाके च गिरफ्तार मुलजमां नूं मिसाली सजावां देण लई सख्त तों सख्त कार्रवाईयां करन दी हिदायत कीती है। इस्लामाबाद च वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत च होण वाले वफाकी कबीना के इजलास च सियालकोट वाके की शदीद मुजम्मत की गई है। इजलास तो बाद साफियां नाल गल्लां करदियां होईयां इतलावां ते नशरियात दे वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि काबीना ने सियालकोट वाकये नूं इस्लाम दियां तालीमात दे खिलाफ दस्या है। उन्हां कहा कि इस वाकये तों पाकिस्तान दा दुनिया दे सामने पैड़ा तासर गया है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हकूमत मुल्क च शफाफ ते आज़ाद इलैक्शन कराने लई वध तों वध कार्रवाईयां कर रही है। उन्हां कहा कि हकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियां नाल कीते अपने वादे नूं पूरा कीता है। खारजा मामलों के वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के पनाह गुजीना के बहरान तो बचने लई इनू दोबारा दहशतगर्दां दा ठिकाणा ते मनशियात दा गढ़ बनाने तो रोकण लई नवी हकूमत दे नाल आलमी तावन बड़ा जरूरी है। उन्हां ये गल्लां ब्रसेल्स विच निटो दे सैकटरी जनरल जीन स्टोलनबर्ग नाल मुलाकात विच कीतियां। मुलाकात विच उन्होंने अफगानिस्तान की पैदा सूरत हाल बहमी तावन ते इलाकाई सूरत हाल उत्ते गलबात की। उन्हें कहा कि अफगानिस्तान विच वधदा होया इंसानी बहरान परेशान कौन ने। उन्हें इस बहरान तो बचने लई आलमी बरादरी वालों वेले सिर इंसानी ते माशी इमदाद की जरूरत उत्ते जोर दिता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के पूरे खिते च अमन ते सलामती लई पुर अमन अमसाए की पॉलिसी उत्ते अमल कर रहा है। पाकिस्तान ने यूरोपी यूनियन विचकार 6वें ताजावीराती मुबासे ब्रिसल्स विच मुनक्किद होया, जिदे विच दो तरफा कसीरुल जहती तालुकात उत्ते गलबात की गई। खारजा मामलों के वजीर शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपी यूनियन के खारजा मामलों के बारे आला नुमाइंदे ते नायब सदर जोजफ बोरल ने मुश्तरका तौर ते मुबासे की सदारत की। इजलास विच पाकिस्तान ते यूरोपी यूनियन विचकार पायदार शराकतदारी ते मनसूबियां दा जायजा लिया गया। दोवां अफरीकां विचकार दो तरफा तजारत सरमायाकारी ते दूजे मुतलका मामलों के नाल नाल अफगानिस्तान विच जारी सूरत हाल ते इलाकाई अमन ते सलामती दे मामलों उत्ते गलबात की गई। वज़ीर आज़म दे खजाने दे मुशीर शौकत तरीन ने कहा है कि हकूमत ने सरमायाकारी ते बरामदात नूं वधाण लई सरमायाकारां ते ताजरां नूं चंगा माहौल देण दा आज़म कीता होया है। उन्हें गल्लां इस्लामाबाद दे तुर्की ते कोका कोला कंपनी दे कारपोरेट अफेयर्स दे नायब सदर की सरबराही एक वफद नाल गलबात करदे होया कीतियां। ए खबरां तुसी रेडियो पाकिस्तान तो सुन रहे हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर इजाज अकरम नूं कौमी रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथार्टी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। यह अथार्टी इस्लाम ते हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन बारे मुखालफाना बयानिए नाल निबड़न लई बनाई गई है। वफाकी वजारत तालीम वालों जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक डॉक्टर इजाज एक वड्डे ते मन्ने परमन्ने इस्लामी स्कॉलर ने ते बहुत सारिया बैन अलकौमी यूनिवर्सिटियां पढ़ाने का तजर्बा रखते ने। इतलावां ते नशरियात दे वजीर मुमलकत फरूख हबीब ने मलक अदनान नूं इंतहा पसंदी दे खिलाफ पूरी कौम लई हीरो ते रोशनी दा मीनार करार दिता है। एक ट्वीट विच उन्हां कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलक अदनान नूं सियालकोट विच हजूम दे हमले दे दौरान प्रियंथा कुमारा दी जान बचाण लई अपनी जिंदगी नूं खतरे च पा के बहादरी दा मुजाहरा करन दी तारीफ कीती है। उन्होंने मलक अदनान नूं वज़ीर आज़म इमरान खान वल्लों उन्हां दी बहादरी दे एतराफ विच दित्ती गई एतराफी सनद भी शेयर कीती है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान दे टैक्सां दी आमद नूं वधाण दे प्रोग्राम उत्ते पूरा पूरा अमल करन लई फैडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दीआं कोशिशां नूं सलाहिया है। आलमी बैंक दे कंट्री डायरेक्टर ने एफ बी आर दे चेयरमैन डॉक्टर मुहम्मद अशफाक अहमद नाल मुलाकात दे दौरान इस प्रोग्राम उत्ते मुकम्मल इतमान दा इजहार कीता। पंजाब दे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार दी हिदायत ते तालीम दे महकमे च मंगल नूं चीफ एग्जैक्टिव अफसर नूं नोटिस जारी कीता गया है कि वह प्राइवेट ते सरकारी स्कूलां सुबह असैंबली दे दौरान दरूद शरीफ पढ़न नूं यकीनी बनाउण। वज़ीर आला ने कहा कि स्कूलां च तालीमी सरगर्मियां दरूद शरीफ पढ़न नाल बाबरकत होणगियां। पंजाब दी सेहत दी वज़ीर डॉक्टर यासमीन राशिद ने बहावलपुर च इजलास च बहावल नगर मैडिकल कॉलेज दे तरक्याती काम दी रफ्तार दा जायजा लिया। इजलास दे दौरान बहावल नगर दे डिप्टी कमिश्नर ने सेहत दी वज़ीर नूं मैडिकल कॉलेज दे तरक्याती काम बारे दस्या। सेहत दी वज़ीर डॉक्टर यासमीन राशिद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान दे नज़रिए दे मुताबिक सेहत दा महकमा सूबे दे लोकां नूं बेहतर इलाज दीआं सहूलतां देण लई खसूसी कारवाइयां कर रहा है। उन्हां कहा कि हुकूमत पंजाब विच 11 वड्डे हस्पताल बना रही है। सेहत दी वज़ीर ने बहावल नगर मैडिकल कॉलेज दे तालीमी ब्लाक नूं छेती मुकम्मल करन ते तालीमी ब्लाक जदीद लैक्चर थिएटर क्लासरूम ते आडिटोरियम बनाउण लई मुतलका हुकाम नूं हिदायत कीती। पंजाब दे खजाने दे वज़ीर मखदूम हाशिम जवान बख्त ने कहा है कि पंजाब दी हुकूमत दरमियाने दर्जे दे माशी मनसूबाबंदी ते खजाने दे मामलियां नूं बेहतर बनाउण लई मनसूबे च पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट एक्ट लिया रही है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਬਸਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radio.gov.pk ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।